हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। अगर अच्छी चल रही है तो कमेंट में ये लिख के बताएं, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो कमेंट सेक्शन में नहीं लिख के बताएं, ठीक है? तो मुझे भी पता चले येस वाले कितने हैं, नो वाले कितने हैं, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 7 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एज आई ऑलवेज गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट माई चैनल। इस चैनल पे मैं JKSSB के कोर्सेज लेके आ रही हूँ। तो पहले मैंने स्टार्ट किया है आपके सुपरवाइजर एग्जाम का, जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, प्लस मैराथन कम रिविजन सीरीज यूनिट 5 5 यूनिट्स की कंप्लीट हो गई है। अब हमारा MCQ सीरीज भी चल रही थी, उसका 5th यूनिट पेंडिंग है, वो आज या कल आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम स्कीम्स रिवाइज करेंगे, ठीक है? प्लस मैंने और एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड बाकी के यूनिट्स भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। अगर ये सारी चीजें आप मिस नहीं करना चाहते, आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। अगर आप JKPSC या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी भी कवर करवाया हुआ है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक से, ठीक है? एंड प्लस आने वाले टाइम में जनरल स्टडीज के रिलेटेड वीडियोस भी आप इस पे देख सकते हैं, ठीक? अगर ये सब आपको मिस नहीं करना है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में हार्ट के अंदर डॉलर साइन, या चाहें तो वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको मेरा UPI ID कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी 7 डेज की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहनी चाहिए, ठीक है? तो पहले तो मैं ये मेन इशू एड्रेस करती हूँ। अभी आप सब लोग नर्वस हो गए, ठीक है? उतना नॉर्मल है, मुझे पता है एंग्जाइटी हो रही होगी। देखो ये नॉर्मल है, एग्जाम से पहले ये सब चीजें होती हैं। अगर नहीं हो रही है आपके अंदर, वो एब नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी हो, टॉपर हो, जिसने अभी स्टार्ट किया हो, जिसने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया हो, जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हो, वो सब लोग इस टाइम पे आके एग्जाम से 7 डेज 5 डेज 6 डेज उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि काफी नर्वसनेस आपको होती है, ठीक है? ये बात। एंड सेकेंडली, आई नो आपको टाइम कम मिला, आई डू अग्री। देखो ऑल तो मैंने आपको स्टार्टिंग से हमेशा बोला कि आप ये कंप्लीट कर सकते हो, कर सकते हो। आई विश जिन स्टूडेंट्स ने वो टाइम वेस्ट किया और बस इसी बातों में लगे रहे कि इलेक्शन के बाद होगा, JKSSB है, अगले साल होगा, कि ये सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो सकता एंड ऑल दैट, उन चीजों में आपने टाइम वेस्ट ना किया होता एंड यू वुड हैव स्टिक टू योर प्लान, ठीक है? लेकिन आई डू रियलाइज कि ऐसे नहीं होता है, ये सारी चीजें आप पे असर करती हैं, क्योंकि हमने JKSSB का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, या इलेक्शन टाइम भी आने वाला था एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे असर करती हैं एंड उनकी स्टडीज पे इम्पैक्ट आता है इन चीजों का, ठीक है? एंड ऑल द टाइम तो आप लोगों के पास ठीक ठाक था, लेकिन अब जिन्हें यूटिलाइज नहीं किया, मैं उनसे भी किसी हद तक सहमत हूँ, खासकर उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने मार्च में फॉर्म भरा, उनको तो वाकई कम टाइम मिला। एंड सिलेबस भी उतना कम नहीं है कि जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर है, ठीक है, उसको, क्योंकि हम हर स्टूडेंट का अलग पोटेंशियल होता है, सेम लेवल पे हम स्टूडेंट्स को नहीं रख सकते। फर्स्ट टाइमर आधे ऐसे पोटेंशियल वाले होंगे जो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दें, 3 महीने में कंप्लीट कर दें, लेकिन आधे फर्स्ट टाइमर्स होंगे जिनको टाइम लगेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नेचुरल है, उनको टाइम लगेगा, ठीक है? एंड ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि सबको मौका मिलना चाहिए। एंड मैं इस चीज में आपके साथ हूँ कि खासकर उनके साथ जिन्हें मार्च में फॉर्म भरा किसी रीजन की वजह से, जिन्होंने स्टार्टिंग में, उनको शायद नहीं पता था कि वो ये एग्जाम देंगे एंड ऑल, तो उनके लिए तो वाकई कम टाइम था, ठीक है? ये एक है बैड न्यूज है कि SSB बाकी कामों में इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसको सुपरवाइजर में ही अपनी एफिशिएंसी इतनी क्यों दिखानी थी, ठीक है? अब ये हुई बैड न्यूज, ठीक है? लेकिन गुड न्यूज भी इसमें ये है कि अगर टाइम कम था, ये सबके लिए कम था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा टाइम मिला, किसी को बहुत कम टाइम मिला। अब जो मार्च में जिनने फॉर्म भरा है, वो ये सोच के डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ा सबने ही इक्वल लेवल का ही होता है, ऐसा नहीं है जिसने पहले फॉर्म भरा है वो पहले से ही बहुत पढ़ रहा है, ठीक है? उसने भी ठीक ठाक ही पढ़ा होगा। एंड इनफैक्ट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है, जिन्होंने मार्च के बाद फॉर्म भरा, उनकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अंडर प्रेशर वाली पढ़ाई जो होती है वो ज्यादा अच्छे से होती है, ठीक है? तो इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि जिनने पहले से पढ़ा उनकी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन है, या जिनने JKSSB के बाकी एग्जाम्स दिए हैं उनका बाकी सारा प्रिपेयर्ड है। आप कुछ भी नहीं सोचना है, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने लास्ट का 1 मंथ, लास्ट का 1.5 मंथ कैसे यूटिलाइज किया है, यही फाइनली आपकी सिलेक्शन जो है उसी पे ही डिपेंड करती है। कोई पूरे साल पढ़ रहा है और लास्ट के 1 2 महीने उसने छोड़ दिए,
तो वो एग्जाम में काफी मुश्किल फेस कर सकता है वैसा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो लास्ट का, अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बोल रही हूँ, पहले कि मैं आपसे सिंपथाइज करती हूँ कि एग्जाम जो है वो जल्दी ले रहे हैं, लेकिन ये भी सोचो वो एग्जाम जल्दी सबके लिए है, तो अगर कट ऑफ कम होगा वो सबके लिए होगा, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। तो इस साइड से आप ये रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। एंड सेकेंडली, अब जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उनका आपको बेस्ट यूज करना है, बेस्ट यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको 7 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। तो पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका रिविजन हो गया है, फाइन, उनका सारा रिविजन हो गया है। अब उनको आगे नेक्स्ट 7 डेज में क्या करना चाहिए वो देखो। आप 3 डेज दे दो, अभी के 3 डेज दे दो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक। एंड एमसीक्यूज आपको कैसे सॉल्व करने हैं, जो जैसे आपने सबसे पहले रिवाइज किया होगा, लेट सपोज आपने 4 दिन पहले यूनिट 1 रिवाइज किया है या 5 दिन पहले यूनिट 1 रिवाइज किया है, आप क्या करो वो यूनिट के एमसीक्यूज आप अभी करो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं करना, ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे कि सुबह रिवाइज करें शाम को एमसीक्यूज करें, नहीं। जिनका रिविजन सारा हो गया, सारा कंप्लीट हो गया है, उनका बेस्ट तरीका क्या है खुद को टेस्ट करने का, कि जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उसके एमसीक्यूज करो। वो होता है, वो क्या करेगा, वो एमसीक्यूज करना, वो आपके दिमाग के कोनों से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, एज कम्पेयर टू अगर आप अभी पढ़ रहे हो और अभी एमसीक्यू कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन फ्रेश होती है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वहां आपको कोनों दिमाग के अलग अलग कॉर्नर से इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, है ना। तो वो यूटिलाइज, वो प्रैक्टिस जो है आप अभी से करो, कि जो बहुत पहले का रिवाइज किया हुआ है उसके एमसीक्यूज करो, ताकि दिमाग जो है आपका हर साइड से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक। एंड ऐसे आपको एमसीक्यूज नहीं करना है कि लेटे हो आराम से अपने रूम में या बेड पे लेट के देख रहे हो, एक एक वीडियो देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन, और आराम से टिक मार्क कर रहे हो, टाइम का कोई ध्यान नहीं रख रहे हो कि कितने टाइम में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये नहीं करना है। आपको प्रोफेशनल सेटिंग में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपने रूम में चले, किसी और रूम में चले जाओ, जिस रूम में पढ़ाई करते हो ना उस रूम में कोशिश करो एमसीक्यूज वहां सॉल्व नहीं करने की, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये क्या होता है, जहां पे हमने पढ़ा होता है ना, आपको वहां की चीजों को देख के इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है, आपको नोटबुक्स को देख के इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी, आपको अपने टेबल को देख के इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। और एग्जामिनेशन सेंटर में क्या होता है, आपके पास सारा अलग माहौल होता है, वहां पे हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग लेवल का होता है, ठीक है, एक अलग चीज होती है। तो ये जो है ये फेस किया है स्टूडेंट्स ने, एंड उनके एक्सपीरियंस एंड इन चीजों पे काफी रिसर्च भी हुई है, वो मैंने आपको हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली उसमें वो सारी चीजें बताई थी जिनने वो वीडियो देखा होगा। तो जिसके लिए पॉसिबल है दूसरे रूम में जाओ, एक टाइम, जैसे शायद 2 घंटे का पेपर होता है कि 2.5 का कि 3 का, मुझे पूरा याद नहीं अभी, अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो उसमें से आपको 1 घंटा रख लो या आधा घंटा, 45 मिनट्स रख लो, आपको 45 मिनट्स में आप कोशिश करो या 1 घंटा चलो, 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे में करो, क्योंकि वहां अगर आपको 60 क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंगली आप कम टाइम में करोगे, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम रखनी है, स्टॉप वॉच लगा के रखो फोन पे, एंड एक टाइम लिमिट में अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। और उन क्वेश्चन में क्या ध्यान दो, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ोगे आप, क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसका आंसर जो है वो आप OMR शीट पे मार्क कर दोगे, ठीक है। ये होगी वो कैटेगरी। अब वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी भी रिवाइज कर रहे हैं, उनका भी रिविजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो रिवाइज पे अभी फोकस करें, फिर सोने से पहले 1 घंटा वो एमसीक्यू जो है 1 आवर वो क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, या मेरा जो एमसीक्यू के वीडियोस चलते हैं वो वीडियोस देखो सोने से 1-2 घंटे पहले। लेकिन फोकस अभी आप रिवीजन पे करो, अगर आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर सोने से पहले आप शाम को एमसीक्यूज कर सकते हो, वो मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। हर दिन आप 1-1, 2-2 घंटा सोने से पहले एमसीक्यूज को दे दो, लेकिन फुल डे आप क्या करोगे, रिविजन करोगे। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ना रिविजन कम्प्लीट है ना उनने अभी तक एमसीक्यूज किए हैं, इनफैक्ट वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी तक कम्प्लीट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अब बस, अब आप अगर आपको स्पेशलाइजेशन अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं है, तो मेरी जो ये सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, जो मैं अभी लेके आ रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो वाले वीडियोस देखो, उनको समझो, ठीक है। वो ज्यादा लंबे नहीं है, वो 1 यूनिट का, आई गेस 1-1.5 घंटे का वीडियो है, 1 यूनिट पूरा, जिसको लेके मैंने 5-5, 6-6 लेक्चर्स बनाए हैं, वो मैं आपको 1 घंटे में उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रही हूँ। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख लो, प्लस एमसीक्यू वाला वीडियो देखो, तो आपके लिए अभी सफिशियंट होगा, क्योंकि आप सारा नहीं कर पाओगे लास्ट के 7 डेज में। तो आप ये करो, जैसे आपको इस ये चीज करने में आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, उसके बाद सोने से पहले आप क्या करो, इन चीजों को रिवाइज कर लो दोबारा। आप एमसीक्यू सॉल्व करने की टेंशन नहीं लो, क्योंकि आप अभी ट्रैक से थोड़ा पीछे हो, आपको किसी तरीके से ट्रैक पे आना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो है वो देख लो, प्लस साथ में एमसीक्यू वीडियो जो है उसी यूनिट का वो देख लो,
ठीक है, सोने से पहले जितना आपने वीडियो देखा है वो रिवाइज करो, ये करते जाओ करते जाओ। फिर अगर आपको टाइम मिलता है कोई एक दिन, उसका आधा हाफ डे एमसीक्यू सॉल्व करने में लगा लो। आप टेंशन नहीं लो आप कितनी क्वांटिटी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप बस थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करो, एक दिन दे दो एमसीक्यूज के लिए, चाहे इन 7 डेज में एक दिन एमसीक्यूज के लिए रखो या हाफ डे एमसीक्यूज के लिए रखो, जिसमें आप बस सॉल्व कर रहे हो थोड़ा बहुत। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, जो वीडियो मैंने लगाया है, डाला हुआ है, अपलोड किया है, प्लस एमसीक्यू वाला वीडियो, ठीक है, वो आपको देखना है। अब देखो मेन बात, अभी जो है एमसीक्यूज, जो ये वाली कैटेगरी है या कोई भी कैटेगरी है, एमसीक्यूज थोड़े बहुत कर लो। 3 डेज मैंने इनको एमसीक्यूज के लिए दिए हैं, वो मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद जो लास्ट के अब आपको 4 डेज रहते हैं, लास्ट के 4 डेज में ये वाली कैटेगरी क्या करेगी, ये सिर्फ रिवाइज करेगी। अब एमसीक्यू करना बंद कर दो, ठीक है। देखो एमसीक्यू करना इज नो डाउट इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिविजन, ये चीज कभी नहीं भूल। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं लेकिन उसने रिवाइज प्रॉपरली किया है, तो उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के। लेकिन कोई स्टूडेंट है उसने रिवाइज नहीं किया है, वो बस माइंडलेसली एमसीक्यू सॉल्व करते जा रहा है, आंसर मेजोरिटी आंसर सही भी हो सकते हैं, मेजोरिटी गलत भी हो सकते हैं, फिर टैली करके कि आंसर उस क्वेश्चन का क्या था, बस यही टेक्निक लगा के माइंडलेसली आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर करने के चांसेस कम है, ठीक है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन आप कैसे करोगे, अगर अभी आप आधा घंटा स्पेयर कर सकते हो तो मेरा वो वीडियो देख लो, हाउ टू इफेक्टिवली रिवाइज, वो आपके इन 7 डेज में भी काम आएगा। क्योंकि रिवीजन में क्या करते हैं हम, रिवीजन में हम खुद को धोखा देने के चांसेस भी बहुत होते हैं, हमें पता नहीं होता एक्चुअली रिवाइज कैसे करना है। एंड अगर हम खुद को धोखा दे के रिवाइज करेंगे ना, तो वो एग्जाम में हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, आधे घंटे का आएगा इसको वीडियो है, थोड़ा टाइम निकाल लो, वो वीडियो देख लो, उससे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके बताए हैं आपको रिवाइज करने के, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये सारी चीजें करनी है, लास्ट 7 डेज है। अभी अपनी एंग्जाइटी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं नर्वस हूं, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है, ठीक है। 2-3 मिनट के लिए उस फीलिंग को ले लो अंदर, फीलिंग को साइड रखो, वापस काम पे आ जाओ, ठीक है। ये जो 7 डेज है ना, मेक मोस्ट आउट ऑफ दीज 7 डेज, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के साथ लगाओ। आई नो ईद भी आने वाली है, अभी लड़कियां ईद की सफाई में भी लगी होंगी, वो सब भी होगा। अब जिनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ससुराल में हो या आपके बच्चे हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट है लेडीज, उनका भी एग्जाम होगा, तो वो क्या करें, वो कानों में हेडफोन लगा के वीडियोस सुने। अगर वो उनके पास टाइम नहीं है खुद से नोट्स उठा के हाथ में रिवाइज करने का, तो सफाई करते करते आप वीडियो सुन लो, ठीक है। अब आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है ना, मेक बेस्ट यूज ऑफ दोज फ्री आवर्स, ठीक है। अब आपके पास अगर पूरा दिन नहीं है, आपके पास दिन के सिर्फ 4 घंटे हैं, तो उन 4 घंटे का बेस्ट यूज करो। या जैसे आप सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उस टाइम पे आप हेडफोन लगा सकते हो एंड फोन पे वीडियो सुन सकते हो। क्योंकि मैंने काफी रिविजन वीडियोज डाले, मैंने एक तो मेन लेक्चर भी डाला है, फिर मैराथन भी डाला, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाले और एमसीक्यूज भी डाले हैं, ठीक है। एटलीस्ट ये जो है आप लूप पे सुन सकते हो ये सारी चीजें, उससे क्या होगा, दिमाग में रजिस्टर होता जाएगा। एंड इस टाइम पे अपने हालात पे कोई तरस नहीं खाएगा कि काश मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं ज्यादा कर लेता, काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो पहले मैंने एग्जाम दिया होता, काश अभी ये नहीं होता, वो काश वगैरह वो सब छोड़ो, ठीक है। जितना आपके पास टाइम है इसका बेस्ट यूज करो। आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में ये एग्जाम दे रहे हो, इसीलिए दे रहे हो क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अल्लाह ने अगर ये टाइम डिटरमिन किया है आपका एग्जाम देने का, इसका मतलब है ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना, कोई गारंटी नहीं है आप तब पढ़ रहे होते अच्छे से एन एग्जाम क्वालिफाई करते, या अगर आप अभी प्रेग्नेंट नहीं होते तो कोई गारंटी नहीं है आप तब पढ़ते अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करते। अगर आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में हो, वो इसीलिए हो क्योंकि ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। बस इस फीलिंग को दिमाग में रखो, ध्यान में रखो। इस टाइम पे कोई पेड टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लेना, आपको मेरी चैनल पे सारा एक क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो मेक बेस्ट यूज ऑफ दोज। वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो करो, जो टेक्स्ट बुक वगैरह, एंड इनफैक्ट मेरे पास भी चांस था एक टेस्ट बैक टेस्ट बुक से कोलैब करने का, कि मैं वहां पे अपने एमसीक्यूज भेजूं, एक ऐसा ऑफर था पाइपलाइन में, लेकिन अपने रीजंस की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। तो टेस्ट बुक जो है रिलायबल है सोर्स, वेबसाइट अच्छी है, वहां से अगर एमसीक्यूज आपने देखे हैं तो गुड, अगर नहीं देखे हैं टाइम है तो देख लो।
अगर वो भी टाइम नहीं है तो छोड़ो, मेरे एमसीक्यू जो है वीडियो सोल्यूशन, वो सोल्यूशन एनालाइज करो, वो सोल्यूशन देखो, वहां से भी सीखोगे एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी अगर वो जिसके भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो, बस ये ध्यान में रखना कि क्वालिटी देख रहे हो आप, ठीक है, क्वालिटी, जस्ट नाम पे नहीं जाना। सिर्फ कोई बड़ी चैनल है तो उनके एमसीक्यूज अच्छे ही होंगे, ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना। फाइन, आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी एमसीक्यूज कौन से हैं। तो ये सारी चीजें करो एंड जल्दी से सब्सक्राइब करो। मेरे दिमाग में एक और वीडियो, मैंने सोचा हुआ है कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे 2 दिन में, तो वो वीडियो मैं लेके आऊंगी। तो इसीलिए क्या करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ ये सब्सक्राइब करने के लिए। एंड यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे बोलता है कि जो मेरा वॉच टाइम है उसमें से 40-50% स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में देख रहे हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, सबको अगर आपको फायदा लेना है इसका और आने वाले सारे एग्जाम्स का, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दुआओं में याद रखना, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह करे आप सब कामयाब हो जाए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।